नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों ये वीडियो DMRC से रिलेटेड है और ये DMRC से एक RTI का रिप्लाई आया हुआ है, ये वीडियो उसी से रिलेटेड है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि ऐसे ही अपडेट की वीडियोज़ मैं लाता ही रहता हूँ। इसके अलावा दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करके रखता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने दोस्तों बहुत सारे इंपॉर्टेंट बुक्स की PDF प्रोवाइड की है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि DMRC में जो एग्ज़ाम हुए थे जनवरी माह में इसी साल के, उस एग्ज़ाम के बहुत सारे पोस्टों पर रिजल्ट आ चुके हैं और बहुत सारे रिजल्ट अभी भी पेंडिंग में हैं। और मेनली जो रिजल्ट पेंडिंग है वो है CRA, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट का। ये सारे कुछ ऐसे रिजल्ट हैं जिनका बहुत सारे कैंडिडेट्स इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत सारे दोस्त वेट कर रहे हैं और अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो इसी में एक RTI का रिप्लाई आया हुआ है DMRC की तरफ से, जिसमें ये पूछा गया था कि DMRC के CRA का रिजल्ट कब आ जाएगा। और बहुत सारे दोस्तों का ये डाउट था कि साइको टेस्ट जो CRA में होगा उसमें कितने नंबर ऑफ टाइम्स कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। तो ये जो डाउट पूछा गया था उसमें DMRC का रिप्लाई आया हुआ है। हालांकि ये जो रिप्लाई है बहुत संतोषप्रद नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं है, लेकिन जो मुझे और कुछ सोर्सों से पता चला वो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले हम इस RTI के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये RTI में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि रिजल्ट को बारे में, कि CRA का रिजल्ट कब तक जारी होगा, तो उन्होंने ये जो पहला पॉइंट दिया हुआ है ये दिया हुआ है कि द रिजल्ट ऑफ द कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट RNE 10, CRA का पोस्ट कोड है RNE 10। तो उसमें ये बताया है कि इज़ येट टू बी डिक्लेयर, मतलब अभी डिक्लेयर होना है। तो इन्होंने अभी कुछ स्पष्ट मतलब बताया नहीं कि रिजल्ट कब तक डिक्लेयर होगा, जबकि यही पूछा गया था कि रिजल्ट कब तक आएगा, इसके बारे में इन्होंने कोई भी जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं बताई है, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी की है। और अगर साइको के लिए बात कर लेते हैं दोस्तों, तो साइको में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने बुलाए जाने हैं, तो यहाँ पे DMRC का रिप्लाई आया है कि द कैंडिडेट्स आर कॉल्ड 8 times ऑफ वैकेंसी फॉर साइको टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ CRA। मतलब जितने CRA का जो रिजल्ट जारी होगा उसमें साइको जितनी वैकेंसी है DMRC में CRA पोस्ट के लिए, 8 गुना ज़्यादा कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। इसका मतलब दोस्तों लड़ाई बहुत तगड़ी होने वाली है, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है रिटन एग्जाम में, इसके बाद भी 8 गुना ज़्यादा लोग बुलाए जाएंगे CRA की पोस्ट के लिए। और अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। देखिए दोस्तों, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जुटाए जाने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी संतोषप्रद जवाब कहीं से भी नहीं मिल पाया। हर जगह यही रिप्लाई मिला है, जो भी लोग वहाँ पे जॉब करते हैं या फिर DMRC से किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं, मैंने बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की, सबका रिप्लाई यही आया कि DMRC का पहले के सालों में जो सिस्टम था वो यही था कि वो कुछ पोस्टों पे रिजल्ट डिक्लेयर कर देते थे और उन पोस्टों के पे रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद उनका मेडिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें करते थे, इसके बाद में और बचे हुए पोस्टों पे रिजल्ट जारी करते थे। इस बार COVID-19 की वजह से उन रिजल्ट पे जिन लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है उन लोगों को भी ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है ना मेडिकल के लिए बुलाया जा रहा है। तो इसी वजह से मे भी यही कारण हो सकता है कि अभी तक जो बाकी बची हुई पोस्टें हैं उन पर रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हुआ है। और DMRC में भी हो सकता है ये बर्डन नहीं लेना चाह रही हो कि सारे पोस्टों का एक साथ रिजल्ट डिक्लेयर कर दे और एक साथ इतने सारे कैंडिडेट्स को बुलाना मुमकिन नहीं होगा मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। हालांकि इसका कोई ऑफिशियल नोटिस तो नहीं है, लेकिन जो मुझे सूचना DMRC में काम कर रहे लोगों से मिली है मैं वो आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रह सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ DMRC से रिलेटेड बनाई है, चाहे वो DMRC के कट ऑफ से रिलेटेड हो, चाहे वो DMRC में इंग्लिश की कट ऑफ से रिलेटेड हो, आप जाके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं और अपनी सारी कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।